एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी क्लीनिंग की वीडियो। मैं उसमें बताऊंगी आपको कि मैं तांबे और पीतल के बर्तन कैसे साफ करती हूँ, यानी कि पूजा के बर्तन। तो बस वही साफ करके बताऊंगी मैं आपको। और मैं किसी नींबू या बेकिंग सोडा या किसी कोई नमक से करता है, कोई बेकिंग सोडा नींबू इससे करते हैं, मैं इससे नहीं करूँगी। एक प्रोडक्ट है वो दिखाऊंगी मैं आपको जिससे मैं करती हूँ, और बहुत ही इजीली उससे बर्तन बिल्कुल एकदम चमक जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये है मेरे पूजा के बर्तन, मंदिर के बर्तन हैं। दो लोटे हैं, दो दिए हैं, धूपबत्ती स्टैंड है और घंटी है, प्लेट है। ज़्यादा कुछ नहीं कर रही मैं, बस ये खाली बर्तन ही करूँगी, सिल्वर वगैरह कुछ भी नहीं करूँगी। और ये देखिए मेरा प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया है, ये है वो पीताम्बरी, पीताम्बरी नाम है इसका। और इससे सिल्वर, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन सब चमक जाते हैं। और ये किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाता है आराम से। और मैं इसका ऐड वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये तो बस मैं साफ़ करती थी, मुझे लगा कि किसी के काम आ जाएगा तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। और मुझे भी इसका पहले नहीं पता था, 2 साल से पता है इसका मुझे, क्योंकि मैंने एक बार मंदिर में पूजा कराई थी तो पंडित जी ने जो पूजा का सामान लिखा था उसमें ये लिखा था और मुझे नहीं पता था ये क्या है। फिर जो ये सामान में निकला और मैंने पंडित जी को दिया तो उन्होंने बताया, वैसे देख लिया फिर हमने इस पर कि वो ये तो पंडित जी ने अपने बर्तन साफ करने के लिए मंगाया है। तो जब से मैंने इसको रखना शुरू किया और इससे बहुत ही जल्दी हमारे सारे बर्तन क्लीन हो जाते हैं। देखना आप, देखिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, एक बार गीले कर लिए हैं बर्तन और इससे चमकाऊंगी। वैसे तो मैं हर हफ्ते 10 दिन में इनको चमकाती रहती हूँ, डेली नहीं मैं इससे करती, डेली तो नॉर्मल डिश वॉश से ही करती हूँ। देखिए आप इस तरह, बस थोड़ा सा रगड़ना ज़्यादा पड़ेगा, रगड़ना हल्के हाथ से तो नहीं होगा, थोड़ा सा टाइट से रगड़ना पड़ेगा हमें। और ये लोटे मेरे जो अंदर से गंदे हो रहे हैं, ये मंदिर में एक लोटा मैं परमानेंट भर कर रखती हूँ तो इसमें पानी के निशान पड़े हुए हैं, इसको मैं अंदर से क्लीन ज़्यादा नहीं करती, बाहर से ही करती हूँ, क्योंकि फिर भी इसको मुझे मंदिर में भर के ही रखना है। तो इस तरह मैं सारे बर्तन अच्छे से एक एक करके रगड़ के रख लूँगी और फिर बाद में धुलकर आपको दिखाऊंगी। पहले मैं भी नींबू से और बेकिंग सोडे वगैरह से ही करती थी, इससे हम अपने कुकर, सिंक, स्टील के बर्तन कुछ भी हम इससे साफ कर सकते हैं। झाग वगैरह इसमें नहीं आते हैं, बस ये पाउडर है खाली, इसको लगाना पड़ता है और बहुत अच्छे से चमक जाते हैं इससे सारे बर्तन, कुछ भी साफ कर सकते हैं इससे हम, इन चारों में से। सिल्वर भी, जैसे हम चांदी के भी बर्तन आराम से साफ कर सकते हैं इससे, चांदी के भी अच्छे से चमक जाते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये, मैं कोई क्लिप मिस नहीं कर रही हूँ इसकी, पूरा ही दिखा रही हूँ आपको इसीलिए, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। देखिए एक एक करके मैं सारे बर्तन क्लीन कर रही हूँ, बस एक लोटा बचा है इसको भी मैं अच्छे से रगड़ लूँगी। देखिए मैंने सारे बर्तन सूखे कपड़े से पोंछ लिए हैं और कितने अच्छे चमक गए हैं बर्तन, जितने भी इन पर दाग थे सारे निकल गए हैं। छोटे लोटे में थोड़े से गद्दे पड़े हुए हैं, मतलब जगह जगह से गहर सी हो रखी है, उसमें थोड़ा बहुत बचा है, नहीं तो एकदम कितने चमक रहे हैं बर्तन। तो अब बर्तन करने के बाद मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, और लंच में आज मैं बना रही हूँ गोभी के कोफ्ते। तो देखिए उसके लिए मैंने गोभी ले ली है, अच्छे से धुल ली है,
गर्म पानी से धुली है मैंने गोभी, क्योंकि गर्म पानी से धुलना सही रहता है कि जो भी कीड़ा हो या कुछ भी हो उसके अंदर वो अच्छे से निकल जाता है धुल के। तो यहाँ देखिए मैंने कद्दूकस ले लिया है, अब इसमें मैं इसको गोभी को कद्दूकस कर लूँगी और मैं मीडियम साइज़ से कर रही हूँ, जो मीडियम वाले छेद होते हैं उनसे कर रही हूँ, ना ज़्यादा मोटे से और ना ज़्यादा बारीक से, बीच वाले से कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह सारी गोभी मैं कद्दूकस करके रख लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसमें से पानी निकल जाए, पानी ने रिलीज़ करेगी वो भी, फिर इसको मुझे निचोड़ना है। तो देखिए यहाँ मैंने तब तक दो प्याज लिए हैं, चार पांच लहसुन की कलियाँ, एक अदरक का टुकड़ा और दो तीन हरी मिर्च ली हैं और तीन लिए हैं मैंने टमाटर, इनका मसाला बनाना है। प्याज और लहसुन मैं एक साथ पीसूँगी, अदरक हरी मिर्च और टमाटर एक साथ पीसूँगी। तो यहाँ थोड़ी देर हो गई है, अब मैं गोभी को निचोड़ रही हूँ, देखिए कितना पानी निकल गया है इससे, और मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, नमक भी लगा सकते हैं उससे और अच्छा पानी छोड़ देगी ये, लेकिन मैंने नहीं लगाया था। अब मैं इस तरह सारी गोभी अच्छे से निचोड़ लूँगी, थोड़ा टाइट से ही निचोड़नी पड़ेगी इसको, नहीं तो फिर बेसन मिलेगा जब इसमें, ये थोड़ी पतली हो जाएगी और फिर हमारे कोफ्ते खुल जाएंगे कढ़ाई में। तो देखिए मैंने सारी गोभी निचोड़ ली है और कितना पानी निकल गया है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन और मसाले, यहाँ मैंने एक कप बेसन लिया है देखिए, और मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं बाद में डालूँगी। और यहाँ थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और टेस्ट के हिसाब से नमक। तो अब इसको बेसन को और गोभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको इस तरह मिक्स करना है हमें जिससे कि इसके थोड़ा लड्डू टाइप से बन जाए इस तरह से। तो बस अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे, जब ये बाइंड अच्छे से होने लगे तब हम ये इसके कोफ्ते बना लेंगे। और गोभी के कोफ्ते अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, एक अलग सा टेस्ट आता है, गोभी की सब्ज़ी अलग है, कोफ्ते अलग हैं। और मैं अच्छे से मसाला करी बनाऊंगी और बहुत टेस्टी बनी थी। तो देखिए यहाँ अच्छे से मिक्स हो गया है और दिख रहा है कि अच्छे से अब इसके कोफ्ते बन जाएंगे। थोड़ा सा बेसन ज़्यादा ही करना पड़ता है इसमें, नहीं तो कोफ्ते फिर खुलेंगे, फटे फटे रहेंगे, फटे फटे अच्छे नहीं लगते ज़्यादा, और वे बाहर से जल जाते हैं, किनारी किनारी से निकली रहती हैं। तो देखिए कितने अच्छे कोफ्ते तैयार हो गए हैं इस तरह, तो मैं सारे कोफ्ते ऐसे ही बना लूँगी। देखिए सारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, अब हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे, तेल गरम करेंगे। देखिए तेल गरम हो गया है, मैंने उसमें कोफ्ते छोड़ दिए हैं, और तेल हमें मीडियम ही गरम करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, नहीं तो कोफ्ते बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें मीडियम हीट पर इनको सेकना है धीरे धीरे। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है, मैं इनको पलट दूँगी, हल्के हाथ से ही पलटना है इनको। तो अब इनको हमें गोल्डन होने तक पकाना है, एक सुनहरा सा कलर, सुंदर सा कलर ही लाना है इन पे, ज़्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो फिर सब्जी में अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, अब मैं इनको निकाल लूँगी और फिर अपना दूसरा बैच इसमें डाल दूँगी। दो बैच में ही सारे कोफ्ते सिक गए हैं, तो यहाँ मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है और इसी तरह इनको भी अलट पलट कर सेक लूँगी। देखिए ये भी कोफ्ते सिक गए हैं, अब इनको भी हम निकाल लेंगे, जो जो पहले सिकता जा रहा है मैं उनको ही निकाल रही हूँ। तो देखिए सारे कोफ्ते कितने अच्छे सिक गए हैं और कितना सुंदर सा कलर आया है इनके ऊपर। अब करते हैं हम करी बनाने की तैयारी। तो यहाँ कढ़ाई चढ़ा ली है, दो चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है, सरसों का ही डालती हूँ मैं ज़्यादातर,
और तेल गरम हो गया है। अब इसमें डाल दिए हैं मैंने दो तेज पत्ता, एक ही तेज पत्ता था ये बहुत बड़ा सा, इसको मैंने हाफ हाफ काट लिया है, और एक बड़ी इलायची डाल ली है। तो थोड़ा सा इनको चलाने के बाद मैं इसमें हींग और जीरा डाल लूँगी। थोड़ा सा हींग डाल लिया है और एक चम्मच जीरा डाल लिया है मैंने इसमें। अब थोड़ा सा जीरा को भुनने के बाद फिर इसमें जो प्याज का पेस्ट बना कर रखा है प्याज लहसुन का वो डाल लूँगी। देखिए प्याज लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब इसको हमें चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, और चलाते रहना है नहीं तो फिर नीचे से जल जाएगा अगर हम इसको काफ़ी देर तक ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जो पेस्ट होता है पिसा हुआ ये थोड़ा देर में भुनता है, चॉप किया हुआ थोड़ा जल्दी भुन जाता है हमारा मसाला। तो देखिए थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी डाली है मैंने जो पिसी हुई लाल मिर्च घर की हैं जो तीखी वाली हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ा तीखापन नहीं आता तो इसलिए मैं घर की पिसी हुई भी डालती हूँ। अब डाल दिया है मैंने इसमें हरी मिर्च, टमाटर और अदरक का पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको अच्छे से चलाकर ढककर छोड़ दूंगी मैं पकने के लिए, थोड़ी देर में मसाला पक जाएगा। देखिए मसाला पक गया है, दिख रहा है अलग से ही कि मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 3-4 चम्मच के करीब दही, आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं अगर आपको और रिच फ्लेवर लाना है इसमें। मैं इसमें दही ही डाल रही हूँ, तो यहाँ मैंने दही डाल दी है और दही को अच्छे से फेंट लिया था, और दही जब तक हमारी उबाल ना आ जाए इसमें हमें चलाते हुए ही करना है, क्योंकि कभी दही फट जाए इसलिए चलाते रहना है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है पानी जितना भी हमें चाहिए, जितनी करी बनानी है जैसी भी गाढ़ी पतली, और नमक, गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी एक उबाल आने तक, जब तक हमारी करी नहीं पकती। करी पकने के बाद फिर इसमें कोफ्ते डाल देंगे। देखिए ग्रेवी पक चुकी है और ऑयल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें कोफ्ते डाल दूंगी, और कोफ्ते डालकर एक उबाल आने तक थोड़ा सा पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसको, थोड़ा ही पकाना है। और तब तक मैं पूरी के लिए आटा तैयार कर लूँगी, पूरी बनानी है मुझे, क्योंकि कढ़ाई रखी हुई है तो फिर तो पूरी बनना ज़रूरी है मेरे घर में। तो यहाँ मैंने आटे में अजवाइन डाल ली है 1 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा नमक डाला है 1/2 चम्मच, और थोड़ी सी डाल ली है मैंने इसमें कसूरी मेथी, और थोड़ा सा डाला है गरम मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और हल्का सा लिया है गुनगुना पानी क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, थोड़ी सी ठंड हो गई है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार कर लूँगी, तब तक कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। और थोड़ी देर आटे को रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। देखिए आटा तैयार हो गया है, अब करते हैं कोफ्ते चेक। देखिए कोफ्ते एकदम तैयार हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी ग्रेवी बन गई है। और ग्रेवी आप थोड़ा ज़्यादा कम जिस हिसाब से करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं, और मैंने तेज पत्ता निकाल दिया है क्योंकि जितना फ्लेवर इनका आना था आ चुका है। अब मैं सब्जी को रख दूँगी थोड़ा हरा धनिया डालकर, क्योंकि गोभी में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने आटा सही कर लिया है, अब थोड़ी सी पेड़िया बना कर रख लूँगी मैं, तब तक मेरी कढ़ाई गर्म होगी। कढ़ाई में ऑयल वही रखा हुआ है जिसमें मैंने कोफ्ते तले हैं। तो देखिए मैं 2-4 पेड़ियाँ बना कर रख लूँगी इस तरह, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बीच में कढ़ाई रोकनी भी पड़ जाती है, खाना देना होता है तो फिर वे सूखी सूखी हो जाती हैं। तो मैं थोड़ी बनाऊंगी इस तरह एक एक करके, और एक एक ही पूरियाँ निकालती हूँ मैं कढ़ाई में, एक एक ही डालती हूँ, क्योंकि दूसरा अगर उतारने वाला हो तो फिर 2-3 पूरियाँ साथ में डाल दो,
लेकिन अगर मैं अकेली बनाती हूँ तो उतना टाइम नहीं लगता, और बनानी मुझे हमेशा अकेली को ही पड़ती हैं। तो देखिए इस तरह एक एक करके मैं बेल लूँगी और साथ साथ एक एक निकालती जाऊँगी। इस तरह अपनी सारी पूरियाँ मैं बना लूँगी। और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती अकेले बनाने में, क्योंकि मुझे पहले से ही आदत है और बहुत अच्छी पूरियाँ बन जाती हैं। देखिए हर एक पूरी फूल रही है, एक भी पूरी ऐसी नहीं है जो ना फूलती हो। और पूरी गरम गरम खाने का मज़ा अलग है, गरम गरम पूरी बहुत टेस्टी लगती है और मैं सबको गरम गरम ही खिलाती हूँ। कभी मैं ज़्यादा पूरियाँ बनाकर नहीं रखती हूँ, ना एक साथ बनाती हूँ। रोटियाँ भी मेरे यहाँ सब गरम गरम ही खाते हैं, एक एक ही खिलाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं बनाकर रख लूं और फिर बाद में खाएंगे, इस तरह नहीं खाते हैं हम खाना। बाद में मैं ही खाती हूँ, मैं सबको पहले खिला देती हूँ। तो देखिए सारी पूरियाँ हो गई हैं मेरी, बाकी मैं बाद में सेकूँगी। अब मैं करती हूँ प्लेटिंग। प्लेटिंग हो चुकी है। और कोफ्ते और दही मैंने सिंपल रखी हुई है, क्योंकि कोफ्ते में काफ़ी मसाला है और पूरियों भी मसाला है, तो इसलिए मैंने दही में कुछ भी नहीं डाला है। तो लीजिए गर्मा गर्म खाना तैयार है, लंच कर लीजिए आप भी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और पूरी खाना तो बारिश में बनता है। लंच हो गया है, अब आकर बैठ गई हूँ मैं अंदर। बाहर हो रही है बारिश, और बारिश का ऐसा काम हो रहा है हरिद्वार में, दूसरी जगह का तो मुझे नहीं पता, कि एक दिन छोड़ के एक दिन धूप निकलती है, एक दिन फिर बारिश होती है, फिर अगले दिन धूप निकलती है, फिर बारिश होती है। ऐसा हो रहा है काफ़ी टाइम से, शिवरात्रि से पहला ऐसा ही हो रहा है। डेली का मौसम इसी तरह है कि एक दिन काम कर लो, कपड़े धुल लो, अगले दिन फिर बारिश। बारिश के बाद थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। वैसे तो अब सर्दी का मौसम नहीं है, क्योंकि होली आने वाली है, इस टाइम तो सर्दी नहीं होती, फरवरी चली गई है, मार्च आने वाला है, पर फिर भी मौसम ने ऐसा हाल किया हुआ है इस साल। पता नहीं बारिश बरसात के मौसम में क्या होगा, सर्दी में ये हाल है। तो बस लंच वंच के बाद बैठ गई हूँ थोड़ी देर, बाहर ठंड सी लग रही थी तो मैंने थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। वैसे बर्तन वगैरह मेरे पड़े हुए हैं अभी दोपहर के, फिर आपसे कर लेती हूँ एक दो बात तब तक बैठ के। जो मैंने वो पीतांबरी बताया है जिससे मैंने बर्तन क्लीन किए हैं, आप जरूर ट्राई करना, बहुत जल्दी बर्तन साफ होते हैं उससे, बहुत जल्दी। मुझे तो जब से पता लगा है मैं तो उसी से कर रही हूँ, और कुछ भी देर नहीं लगती उन्हें साफ करने में, थोड़ा रगड़ना पड़ता है बस। आप ट्राई करना और मुझे बताना। और वो किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाता है, मेरे यहाँ तो सब जगह मिलता है, मेरी कॉलोनी में ही मिल जाता है, तो बताना मुझे। आज मैंने ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि थोड़ी थकान हो रही थी, कल ज़्यादा काम हो गया था मेरा, पर्दे वर्दे धुलने, तो इस वजह से आज थोड़ी थकान हो रही थी, मेरा मन नहीं हुआ ज़्यादा काम करने का आज, तो आज मैंने थोड़ा ही काम किया है और जल्दी जल्दी काम खत्म किया। और कभी कभी ना ऐसे होता है कि भाई एक दिन हमने ज़्यादा काम कर लिया तो अगले दिन थकान सी हो ही जाती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, आप मेरे वीडियोज़ देखते हो, मेरे लिए समय निकालते हो, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद सब तो बहुत छोटा है जो आप मेरे लिए कर रहे हो, बस इसी तरह आपके प्यार की ज़रूरत है मुझे, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा और देखते रहिएगा मेरे वीडियोस, क्योंकि अकेले मैं वो नहीं कर सकती जो आप कर सकते हैं मेरे लिए। तो बस यही आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए ये कर रहे हैं। बस इसी तरह अपना साथ देते रहिएगा और मेरे अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिएगा। अच्छे नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कोशिश मैं अच्छाई करने की करती हूँ। तो बस यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे नए व्यूवर जुड़ रहे हैं उनसे मैं खास कह रही हूँ, ऐसे वीडियो ना देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।